आज निकलेंगे चांदीपुर की तरफ, चांदीपुर सी बीच। लेकिन अभी भी ऑफिस का काम लेके बैठा हुआ हूँ। देव उधर रेडी होने गया, रितु भी रेडी हो रही है, तो मैं देखता हूँ कब तक काम खत्म करके उठने का टाइम मिलता है। खाने का साइज देखो, मतलब आइटम का क्वांटिटी। हम लोग बन ठन के निकल पड़े चांदीपुर बीच की तरफ। चांदनी रात में चांदीपुर बीच में देव बाबू इज आवर गाइड टुडे। हम लोग को रास्ता भी पता नहीं, बीच भी पता नहीं, और देव को भी पता नहीं। तो प्लान था 1 बजे निकलेंगे, हम लोग अभी निकल रहे हैं 4 बजने में, 10 मिनट बाकी। 3:30 का टारगेट लिया गया था, वो भी फुल नहीं हो पाया, तो चलते हैं बिना देर किए। पूरा फर्नेस बन गया है गाड़ी का, अंदर का जो हवा है वो। आज भी देव बाबू फर्स्ट आप चलाएंगे, उसके बाद मैं आ जाऊंगा उधर। पता नहीं ये पुलिस स्टेशन में भीड़ नहीं है, लोग आता है कि नहीं। फुल डलवा ली है। ऐसे रोड पे आप लोग खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे स्पीड उठाने से। रास्ता मिल गया अच्छा, तो मच रहा है धूम। देव बाबू गाड़ी को उड़ा रहे हैं पूरा, और गूगल माते हम लोग को दिखा रहे हैं 1 घंटा 15 मिनट, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर के करीब। उड़ीसा में आप लोग कहीं भी घूमने जाओ, पहले अगर आप लोग हो चुके हो ऑलरेडी या नहीं भी हो चुके हो, आप देख पाओगे कि मतलब छोटा सा जगह है, छोटा सा गांव है, बड़ा एक मंदिर है, मतलब जगन्नाथ देव का मंदिर इधर उधर आपको देखने को मिलेगा। यस, फॉर्मूला 1। और देव अभी बोल रहा था कि इस सी बीच का एक खासियत है, जलटा आस है और जल चला जाता है। हर सी बीच में ही थोड़ा बहुत मतलब पीछे जाना आगे आना होता है, मतलब पानी का एज पर टाइड। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर अंदर चला जाता है, मतलब आप सोच रहे हैं पूरा 3 से 4 किलोमीटर लैंड फुल ऑफ सैंड, तो वो अलग ही मजा आएगा। बीच एक ऑस्ट्रेलिया का और एक इंडिया में चांदीपुर। तो ये है NH-16, जैसे कि मैं बता रहा था। यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा मंदिर है, छोटा नहीं काफी बड़ा है, दूर है बोल के छोटा दिख रहा है। ये हम लोग घुस गए हैं मेन रोड छोड़ के बालेश्वर की तरफ। तो यहाँ पे बीच में जाने का हिस्सा तो देख रहा हूँ पंथ निवास के कैंपस के अंदर से ही है। पंथ निवास का जो प्रीमिसेस है वो ये वाला है, और इधर हो गया बीच जाने का रास्ता। तो सोचे थे कि हम लोग आके समंदर को वेलकम करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है समंदर पहले से ही हम लोग के लिए आके बैठा है, सब कुछ उड़ा देने वाला हवा चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ उड़ रहा है यहाँ पे, इंसान उड़ रहा है, बालू बालू उड़ रहा है, इंसान उड़ रहा है, लेकिन ये इंसान तो उल्टा साइड में उड़ रहा था। जनरली जैसे बोला जाता है कि ये पानी जो दिख रहा है करीब 500 मीटर यहाँ से होगा, ये और भी 2 किलोमीटर अंदर मतलब करीब 3 किलोमीटर के आसपास पीछे चला जाता है, मतलब पूरा बाली दिखता है सामने। पानी यहाँ तक पहले नहीं था, ये फ्रेश तेल आ रहा है, पानी थोड़ा आगे आ चुका है ऑलरेडी। अभी हम लोगों को लगा है चुस्की का चस्का, देखो भाई देखो। कुंडा काला खट्टा बन गया है मेन गोला हम लोगों का। बहुत अच्छा टाइम बीता यहाँ पे। ये एरिया जो था एक्चुअली पांथनी बस पीछे ही रह गया, पांथनी बस का सामने का जो बीच पोर्शन है ये है वो वाला पोर्शन, और यहीं पे सब जो भी लोकल्स है जो दूर से, जैसे हम लोग दूर से आए हैं तो लोकल के थ्रू आए हैं, तो ये जगह मैं ही घूमने आ गए। ये जगह इटसेल्फ ही एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप का बन गया है, बीच बहुत अच्छा, बहुत सीरीन टाइप का है।
लिंकन दास एंड आपका सुकांत दास। तो नया दो सब्सक्राइबर बंधु से मिल लिए, अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, मतलब ये कोई भी टूरिस्ट स्पॉट का बहुत अच्छा एक मतलब खासियत होता है। एनीवेज चलते आएगा तरफ, भूख लग रहा है अंदर, खाना पीना कुछ करना पड़ेगा। दोस्त लोग मेरा गया है क्रैब ढूंढने, आके क्या मिला देखो, पूरा ईटरी वाला स्नैक्स का पूरा ट्रेजर मिल गया। काफ़ी सारा दुकान लगा हुआ है, टूरिस्ट लोग जो आते हैं एंजॉय कर पाएगा। चलो देखते हैं मिल गया है कुछ। तो ये आ गया वो डिमांडेड फूड जो हाई डिमांड में रहता है समंदर किनारे, क्रैब। ये है रियल क्रैब, अंधेरा कायम रहेगा। बज गया है 7 कहाँ 8 बज गया है, अभी लौटने का टाइम है, चलते हैं खा पी के घर के तरफ। तो फाइनली इट इज़ फूड टाइम, एक्चुअली इट्स ऑलरेडी टू लेट एट नाइट, 10 बज गया जो कि रेस्टोरेंट क्लोज होने का टाइम है। तो जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या खाने को मिलता है। यस, नाइस एंड कोजी एंड एम्बियंस। फाइनली ढूंढते कुछ मिल नहीं रहा था, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया। तो हम लोग ढूंढ रहे थे चाउमीन, मिला यहाँ पे। 2-3 रेस्टोरेंट छोड़ के आया जहाँ पे चाउमीन नहीं मिल रहा था, मतलब चाउमीन का उतना फ़ैन नहीं है। आज खाने का मन कर रहा था चाउमीन। इस देव पूजा, इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे अलग एक दिन खाने के लिए आना पड़ेगा लग रहा है। आए थे लाइट खाने लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी खाना हो गया। हर मेनू आइटम बहुत अच्छा है, या नेक्स्ट और एक दिन आना पड़ेगा। तो आज के लिए यहीं पे साइन अप करते हैं।